जोड़े एंगुलर मोमेंटम, गलत मत करना, गलत कर दे घर पे जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं, हमें ये समाचार क्यों मिला, बोल मत देना साले। चला जाओ, ये देख, मान लो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है झूले वाला, कौन से वाला, झूले वाला, झूले पे से बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसका साइड व्यू है, टॉप व्यू ऐसा है, मतलब साइड व्यू ये है, टॉप व्यू है ऐसे अपना है, और यहाँ पे अपनी कौन खड़ी हुई है, सुंदर कन्या, बहुत बढ़िया, 50 किलो की है, कौन सुंदर कन्या 50 किलो की है, डिस्क जो है उसका मास m 20 किलो है, इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, और यहां पे अपनी सुंदर कन्या है, बोलो क्लियर पक्का। अब ऐसे प्लेटफॉर्म था जो ऐसे घूम सकता था, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है, एग्जैक्टली आपको सवाल कराया हूं मैं ट्रॉली से कूदते हुए सवाल, yes, करा दिए गए, एग्जैक्टली yes, वैसे ही ट्रॉली से कूदने वाले सवाल कराया, yes, और ट्रॉली से कूदने की सर ने 3 रफ्तार बताई होंगी, एग्जैक्टली yes, ऐसे ही बोला होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, yes, यार हाँ ना बोल, yes, क्या 3 रफ्तार क्या बताई होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर जंप एंड कुछ नहीं बोला हो तो उसे आफ्टर जंप ही कंसिडर करना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, एग्जैक्टली सेम, ये वही कहानी है, दोबारा वही चलेगा सब कुछ। तो सुंदर कन्या जब कूदी, मान लो कि सुंदर कन्या ऐसे कूदी, खूब ऐसे कूदे, ऐसे थी, ऐसे ऐसे, क्या कंसेप्ट है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए बिना सोचे समझे मत बोलो, लॉजिक लगाओ पहले, मोमेंटम कंसेप्ट नहीं है इसमें, तो सुंदर कन्या जैसे ऐसे कूदेगी, अगर ये ऐसे कूदी मान लो वी नॉट रफ्तार से, बोल लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट है कि नहीं, नहीं है, नहीं है, मोमेंटम कंसेप्ट है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, जब ट्रॉली से लड़की कूदती थी तो ट्रॉली पर, और जब ट्रॉली लड़की मान लो ट्रॉली थी तो लड़की या लड़का जो भी सर ने कूदाया हो, मेरे को ही कूदाया था, कमली को कूदाया मान लो, अच्छा ठीक है जिसको भी कूदाया है यार, जो सर को पसंद होगी कूदा दिया होगा उसमें यार, तो मान लो कि सर की पसंदीदा कूदी, हाँ ना बोल यार, तो जब जो भी कूदा उसने फोर्स पीछे लगाया और उसमें फोर्स, तो नेट कितना, जीरो, यहाँ पे भी ऐसा ही हो, जब सुंदर कन्या इधर कूदी तो इसने इस पे, इसने पीछे धकेला किसको, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस कूदते वक्त क्या हुआ होगा, कूदते वक्त ये हुआ होगा कि ऐसा समझो कि सुंदर कन्या पे इधर लगा होगा नॉर्मल या जो भी लगा होगा फोर्स एफ, इंपल्सिव फोर्स, इस पे लगा होगा डिस्क पे पीछे, पर यहां पे एक हिंज फोर्सेस भी होंगे, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हिंज फोर्सेस, इसकी वजह से एफएफ तो कैंसिल आउट हो गए, पर ये हिंज फोर्सेस के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, तो नेट फोर्स जीरो, तो लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट नहीं है बिकॉज ऑफ हिंज फोर्सेस, सो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, पहली बात, सवाल तो आ जाएगा, सवाल की चिंता मत करो, पर कंसेप्ट को समझो, क्योंकि जब नया सवाल आए तो हम उसे अप्लाई करना आना चाहिए, है ना, रटो मत सवाल, कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसा क्यों करा मैंने, तो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ हिंज फोर्सेस, बट लेट मी टेल यू, सपोज मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज टॉर्क अबाउट ओ, हिंज का जीरो, इस एफ का और इस एफ का, डिस्क का और सुंदर कन्या का, सुंदर कन्या में फोर्स लगा आगे, डिस्क पे लगा पीछे, तो इसका और इसका टॉर्क जीरो मिलके, तो खाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, खाली सुंदर कन्या का भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं,
दोनों का मिलके खर्चा। दोनों का यार मुझे लगा नहीं तो क्या आया, आया कि नहीं आया। तो अगर ध्यान दे तो टॉर्क अबाउट ओ इक्वल्स टू जीरो, दैट इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वड। अब बहुत छोटी छोटी सी बातें जो आपको समझनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो क्या फील है? क्या कंजर्व नहीं है? क्या कंजर्व है? किसी के भी पॉइंट के अबाउट या हिंज के अबाउट? कोई और पॉइंट लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हिंज के टॉर्क आ जाएंगे जो हमें पता, इसलिए हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब डिस्क हो गई रिजिड बॉडी और सुंदर कन्या हो गई पॉइंट मास। तो सुंदर कन्या के लिए फॉर्मूले लगाएंगे एम आर क्रॉस वी, अरे भाई साहब, और डिस्क के लिए लगाएंगे आई ओमेगा। डिस्क के लिए लगाएंगे, तुझे मेरी बात समझ, अरे आई की नहीं आई पे लगा, अरे पक्की बात सोच लो। अब देख वही वापस, तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इनिशियल अगर सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? जीरो। क्या था इस पर्टिकुलर सवाल में? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था जीरो, सो एल फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अब सुंदर कन्या को देखो, सुंदर कन्या को देखो वी नॉट से कूदी, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका अगर ये पॉइंट मास इधर ही है एम आर क्रॉस वी, आर और वी में एंगल, क्या मैंने वी नॉट ग्राउंड फ्रेम से लिया है? सोच अगर दूसरे फ्रेम से लेते तो क्या प्लस माइनस करना पड़ता? मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो मैंने ग्राउंड फ्रेम से ले लिया था कि पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं। तो एम आर क्रॉस वी एम इसका मास लिया 50 किलो, कितना लिया? वी नॉट के लिए जो इच्छा हो आपकी ले लो, वी नॉट के लिए मान लो लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपन इसको भी पहले सवाल में डेटा डाल देते हैं, ये बड़ा एम ले लेते हैं, ये छोटा एम ले लेते हैं। बोलो क्लियर है? सुंदर कन्या बड़ा एम या वी नॉट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अपन ने लिखा बड़ा एम वी नॉट आर।